Hi everyone, this is Jagriti and welcome back to my channel Jagriti Creates. I'm really sorry for the long break. Actually, when I last week could be post nahi kiya, I'm really feeling guilty about that. So there was some issue with my health, thodi si kharab thi, but everything is good now. So I'll be posting every new video every week, hopefully. If you like my video, please support my channel. Please support my channel and please मेरे channel को subscribe कर लो and hit the bell icon to उससे आपको पता चलेगा कि मेरे latest video कब आ रहे हैं. So coming back to my episode. आज मैं करने जा रही हूँ पिक्चर मैनिपुलेशन. सो आई एम गोना टर्न समथिंग इनटू समथिंग. सो एक्चुअली आई एडिटेड, एक्चुअली आई मैनिपुलेटेड मेरी बेबी की पिक्चर. मैंने मैनिपुलेट करी थी. आई टर्न हिम इनटू शिवा. दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर. सो पीपल रियली लव्ड इट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. रियली थैंकफुल फॉर ऑल द ग्रेट रिस्पॉन्सेज दैट यू गेव मी, ऑल द लव दैट यू गेव मी. सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वेस्टेड मी टू टर्न देयर baby's picture into Shiva or Krishna or some goddess. So I'm a working mom actually, so I have a 1 year old kid, so I cannot make everyone happy. I don't have that kind of time ki main sabki pictures edit kar sakun, but I don't want to say no to you. I don't want to disappoint anyone. So here I am making a tutorial video so that you can I'll make a very easy tutorial फोटोशॉप ट्यूटोरियल तो बहुत है इंटरनेट पे, बट मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान सा कुछ बताने वाली हूँ सो दैट यू कैन डू द एडिटिंग बाय योरसेल्फ. मैं बहुत ज़्यादा टूल्स आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज फोटोशॉप इज अ वेरी वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर. आई मीन इट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. आप बहुत कुछ कर सकते हो उसमें और एक ही चीज़ करने के बड़े सारे तरीके भी होते हैं. तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी सो दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ एट होम. बट अब आपको लग रहा होगा कि फोटोशॉप तो खरीदना पड़ता है, बट यू डोंट हैव टू बाय इट. यू कैन बाय अ फ्री ट्रायल और उसके बाद आप उसको हटा देना. कुछ दिन चलेगा इफ यू वर्क फॉर योर फ्यू डेज, तो आपकी 3-4 इमेजेस तो निकल जाएंगे, तो मतलब आपका काम हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो मैं अभी करने वाली हूँ अपने बेबी की पिक्चर एडिट. और सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू फाइंड अ वेरी गुड पिक्चर. So I take lots and lots of pictures. I'll show you a few clips of my baby, a few cute clips. Actually, I'm really obsessed with my baby. So मैं पूरा दिन कैमरा लेके ये करती रहती हूँ. Let's start without wasting any of your time. Show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Okay, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ले लिया है एंड मैंने अपने एक बच्चे की इमेज को राइट क्लिक करके ओपन विथ फोटोशॉप किया है. तो अब मेरा जो फोटोशॉप है वो खुल रहा है डायरेक्टली इस इमेज के साथ खुलेगा. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन के वैसे तो बहुत सारे टूल होते हैं, बट मैं सबसे कन्वीनियंट वे बता रही हूँ, दैट इज़ पेन टूल. पेन टूल आपको राइट साइड में पेन की निब जैसा दिख रहा होगा, वो आप ग्रैब कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, देन यू स्टार्ट मेकिंग सेलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू कट आउट ऑफ द बैकग्राउंड. तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को सेलेक्ट कर लिया है. पेन का जो नॉच है वो आप ड्रैग करके उसको कर्व कर सकते हो एंड राइट क्लिक करके जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स कंप्लीट, आधे में सिलेक्शन नहीं होगी, देन यू राइट क्लिक एंड डू मेक सिलेक्शन. तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है, उसको मैंने लेयर वाया कॉपी कर लिया है राइट क्लिक करके. अब मैंने यहाँ पे क्रॉप टूल लेके बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है. क्रॉप टूल आपको थर्ड नंबर पे दिख जाएगा. और जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया है उसको भी मैं पेन टूल से सेलेक्ट करके, सी सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, ये सिलेक्शन हो गई मेरी कंप्लीट, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी. तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया है. अब मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगी कंट्रोल सी कंट्रोल जे करके,
नाउ आई विल गो टू एडजस्टमेंट एंड ह्यू सैचुरेशन में जाके मैंने ह्यू को एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर लिया है और आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है. तो आई लाइक माइनस 170, आप डायरेक्टली उसको बटन पे क्लिक करके भी 170 पे सेट कर सकते हो. देन उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस के साथ भी यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन सी व्हाट कलर यू लाइक, बट आई थिंक आई लाइक दैट वन बेटर, सो आई प्लस प्रेस ऑन कैंसिल. अब मैं क्या करूँगी, इरेजर टूल ग्रैप करके, बिकॉज लिप्स यहाँ पे मेरे जो हो रहे हैं वो ब्लू हो रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट दैट, तो उसको मैं इरेज करूँगी. आई विल टेक अ सॉफ्ट एज राउंड ब्रश, आई सजेस्ट कि यू टेक दैट टू, इससे मुझे रिजल्ट थोड़ा सा बेटर मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने इरेज करके अपने बच्चे का जो टंग और लिप्स का जो पार्ट है वो बैकग्राउंड लेयर का दिख रहा है, नाउ इट्स पिंक. और मैं पाम का एरिया भी थोड़ा सा रिमूव कर दूंगी सो दैट इट लुक्स अ लिटिल नेचुरल. ओके डन. निप्पल्स, सॉरी आई फॉरगॉट निप्पल्स. सो ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मुझे आईब्रोज जो हैं अपने बेबी की वो डार्क करनी है. तो मैंने ले लिया है बर्न टूल, एक फिंगर जैसा, एक आई थिंक यू विल फाइंड इट एट द बॉटम. बर्न टूल को सिलेक्ट कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैं आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, वैसे तो बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं लोग, बट आई डोंट लाइक दैट. तो मैं आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क करूँगी और थोड़ा सा काजल सा लगाऊंगी. अगेन मैंने यहाँ पे भी सॉफ्ट एज राउंड ब्रश लिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टैटू सा इफेक्ट नहीं चाहिए. वैसे तो आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो बट दिस विल वर्क फाइन. तो यहाँ पे मेरा जो काजल है और आईब्रोज का पार्ट है वो डन हो चुका है. अब मुझे यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा ब्लश, तो मैंने एक लेयर ऐड करी है, कंट्रोल एन करके नई लेयर जो है हमारी वो ऐड हो गई. तो अब मैंने यहाँ पे जो है कलर ले लिया है पिंक, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू माई बेबीज लिप्स कलर. तो मैं यहाँ पे पिंक कलर लेके सॉफ्ट राउंड ब्रश लेके ब्लश लगा दूंगी. ब्रश का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और कंट्रोल जेड करके आप अपनी मिस्टेक्स को अंडू कर सकते हो 4-5 स्टेप्स तक. तो यहाँ पे मैंने जो है ब्लश लगा लिया है, एक्सेस रिमूव कर दिया है. यहाँ पे आपको लेयर के ऊपर एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा नॉर्मल, उस पर आप क्लिक करके यू गो टू द ओवरले ऑप्शन. तो ओवरले में जाके हमारा जो ब्लश है वो डन हो गया है. एंड अब मैं जा रही हूँ कृष्णा की इमेज सेलेक्ट करने फॉर द अदर थिंग्स. एक्चुअली मेरे बेबी के सर पे बाल नहीं है तो मैं यहाँ से हेयर्स और हेयर्स एक्सेसरीज जो हैं वो मैं यहाँ से पिक कर लूँगी एग्जैक्टली द सेम. तो मेरी जो मेहनत है एक्सेसरीज लगाने की वो जो है कम हो जाएगी. तो अगेन हम पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से मैं यहाँ पे बालों का जो सिलेक्शन है वो स्टार्ट कर रही हूँ. पेन टूल के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट पे ही आपको एंड करना है, तभी वो सिलेक्शन होगी. ये मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया है. अब राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक किया है मैंने और ये सेलेक्ट एरिया जो है हमारा वो सेलेक्ट हो गया है. अब इसको लेयर वाया कॉपी करके मैं दूसरे लेयर पे ले जा रही हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट लेयर करके आई विल ब्रिंग इट टू माई कृष्णा फाइल. ठीक है, ओके कर देते हैं. यहाँ पे ये जो हमारी हेयर्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं. इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं. ये अभी छोटे साइज़ का है तो ये हमने बड़ा कर लिया है साइज़, कंट्रोल टी करके ग्रैप करके साइड से नॉच को बड़ा कर लिया है ड्रैग करके. अब इसको हम बेबी के सर के ऊपर थोड़ा सा इधर उधर करके फिट कर देते हैं. ओके, थोड़ा सा और नीचे चाहिए मुझे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. अब जो एक्सेस हेयर हैं जो फेस के ऊपर आ रहे हैं वो मैं इरेजर टूल लेके रिमूव कर दूंगी और एक्सेस जो एज पे जो वाइट कलर है जो पॉप हो रहा है वो भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी. एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड का कलर सिमिलर उस इमेज जैसा ले रखा है जो मैंने रेफरेंस इमेज ली है, तो मेरा जो बैकग्राउंड के साथ है ईजिली वो हेयर्स मर्ज हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी नहीं. यू कैन डू द सेम. ज्वेलरी भी मैं सेम पिक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमेजेस. वैसे तो आप चाहो तो आप गूगल से यू कैन पिक एनी नेकलेस यू लाइक, बट आई थिंक आई लाइक दिस वन. तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है मेक सिलेक्शन करके पेन टूल से. अगेन इस लेयर को हम अगेन डुप्लीकेट करते हैं और हम ले आते हैं अपनी मेन लेयर पे. कंट्रोल टी करके हमने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लिया है. ठीक है, जो एक्सेस पार्ट है वो हम इरेजर टूल से
रिमूव कर देते हैं. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं बिकॉज ऑलरेडी इमेज का कलर भी ब्लू है और मेरे बेबी का कलर भी मैंने ब्लू कर दिया है, तो इट विल मर्ज, वो एक्स्ट्रा पॉपअप होगा नहीं. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पर्ल नेकलेस का PNG डाउनलोड किया है गूगल से. गूगल से आप आराम से टाइप कर सकते हो एनीथिंग, यू कैन टाइप फ्लावर PNG, तो ये चेकबोर्ड जैसा इमेज आपको मिल जाएगी. इसमें क्या है कि आपको बैकग्राउंड जो है वो डिलीट नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी डिलीटेड होता है, तो आपका जो काम है वो एक्स्ट्रा काम आपका बच जाता है. ये मैंने लेके फ्लिप वर्टिकल करके, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके आप उसको फिक्स कर सकते हो. यहाँ पे मैंने किया नहीं है बिकॉज़ मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर रही हूँ. ये जो साइड का एज है उसको कमांड के साथ आप ग्रैब करोगे या कंट्रोल के साथ आप प्रेस करके रखोगे तो यू विल बी एबल टू डिस्टॉर्ट दी इमेज. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस पार्ट जो है ज्वेलरी का, आई एम गोना रिमूव दैट. आपको लेयर का ध्यान रखना है कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हो. गलत लेयर पे आपका सिलेक्शन होगा तो आप रिमूव कर नहीं पाओगे या कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लेयर. नाउ आई एम गोना ग्रैब दिस बाजूबंद. ये मैंने गूगल से अगेन PNG फाइल डाउनलोड करी है, तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम गोना डुप्लीकेट दिस लेयर टू माय मेन लेयर कृष्णा लेयर. तो यहाँ पे मैं कंट्रोल टी करके इसका मुझे डायरेक्शन चेंज करना है. कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करके मैंने इसको डायरेक्शन चेंज कर लिया है. नाउ आपको इसको ग्रैब करना है तो आप मिडिल पार्ट से ग्रैब करोगे. अब मैंने इसको राउंड कर लिया, ये साइड में जब राउंड सा बन के आएगा ना आपका एरो तब वो रोटेट हो जाएगा, और जब स्ट्रेट एरो बन के आएगा तो उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा. तो ये मैंने एडजस्टमेंट कर ली है जैसी मुझे चाहिए. दिस इज़ डन. नाउ अब मेरे को इसमें लटकन चाहिए थी जो मुझे मिली नहीं, तो मैंने किसी और ज्वेलरी से लटकन उठा रखी है. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैजिक वॉन्ड टूल लिया है, दैट इज़ द फोर्थ टूल. वाइट बैकग्राउंड को या सॉलिड बैकग्राउंड को आप ईजिली सेलेक्ट करके मैजिक वॉन्ड से डिलीट कर सकते हो. देन अगेन मैंने यहाँ पे पेन टूल लेके एक रफ़ सिलेक्शन करी है बिकॉज बैकग्राउंड ऑलरेडी डिलीटेड है, तो आपको एज टू एज यहाँ पे सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. मेक सिलेक्शन. नाउ यू गो अहेड एंड डू लेयर वाया कॉपी, एंड आई एम गोना डुप्लीकेट दिस लेयर टू माई मेन लेयर कृष्णा PSD. यू कैन सी दैट, एंड हेयर वी हैव, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर है. तो यहाँ पे मैं वी प्रेस कर रही हूँ. आप फर्स्ट टूल जो है दैट इज़ मूव टूल, आप उसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, दैट इज़ द सेम थिंग. कीबोर्ड से थोड़ा शॉर्टकट है. तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, ये मेरी इसकी एडजस्टमेंट हो गई है, इट्स लुकिंग गुड. तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए जो माथे के ऊपर वाइट टिक्कियाँ होती हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, तो जो फ्रंट का कलर है पिंक जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो मैं वाइट कर दे रही हूँ. और यहाँ पे मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया है, ब्रश टूल आपको फोर्थ नंबर पे दिख रहा होगा, ये मैंने सेलेक्ट किया है. यहाँ पे मैंने लिया है हार्ड राउंड ब्रश और इससे मैं अपनी टिक्कियाँ बनाने वाली हूँ. कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हो अपनी मिस्टेक. और यहाँ पे मैंने लिया है अगेन सेकेंड नंबर का मार्की टूल. इसमें रेक्टेंगल एलिप्स दो ऑप्शन होते हैं, मैंने एलिप्स सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे को चाहिए मरून कलर, तो ये मेरा मरून कलर है प्यारा सा. ये मैं इसको कंट्रोल डिलीट करके फिल कर रही हूँ. अगेन मैं एक एलिप्स बना रही हूँ उसके ऊपर, और जो एक्सेस पार्ट है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ. अब मुझे चाहिए एक सैफ्रॉन येलो कलर, सैफ्रॉन येलो, ओके नहीं ये ज़्यादा येलो है, ओके ओके दिस वन इज़ फाइन. तो यहाँ पे मैं अगेन एक सॉफ्ट ब्रश ले रही हूँ, साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, एंड मिडल में ये मेरी एक टिक्की जो है ये कंप्लीट हो गई है. नाउ व्हाट आई नीड इज़ अंगरखा. तो मैं वो दूसरी इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज जो मेरी ओरिजिनल थी उसमें बहुत पतला था. अगेन आई एम यूजिंग द पेन टूल हियर, ये मेरी सिलेक्शन हो गई है मेक सिलेक्शन करके. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेयर वाया कॉपी करनी है पहली चीज़, और ये मैंने राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी किया है. नाउ आई एम गोना डुप्लीकेट दिस लेयर. लेयर पे आप जाके राइट क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, यू गो अहेड एंड डू डुप्लीकेट लेयर, अपनी मेन लेयर सेलेक्ट करके प्रेस ओके. ठीक है, ये हमारी जो है लेयर कॉपी हो गई है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको पहले तो मूव करना है, तो कीबोर्ड पे वी प्रेस करके मैंने इसको कर लिया है मूव. नाउ आई एम गोना प्रेस कंट्रोल टी और इसका पहले तो साइज़ बढ़ा लेते हैं, फिर इसको करेंगे डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट के लिए आप विंडोज़ में कमांड और मैक में कमांड एंड विंडोज़ में कंट्रोल प्रेस करके रखोगे उसको, बटन को आपको छोड़ना नहीं है.
देन उसके बाद आप साइड का नॉच ग्रैप करोगे, वो वाइट सा हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। तो ये जो मेरी इमेज है ये डिस्टॉर्ट हो गई है ऑलमोस्ट, नाउ वी आर डन। और मैं ये फाइल सेव कर रही हूँ जेपैग में, जेपैग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव। You're done. Ta-da! आसान था ना, रियली आसान था, मेरे को लगता है आसान था। तो आई थिंक यू कैन डू इट। और अगर किसी पार्ट पे आप स्टक होते हो, आप किसी पार्ट पे परेशान होते हो, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी कि कहाँ पे क्या करना है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज जागृति क्रिएट्स, जागृति डॉट क्रिएट्स। सो यू कैन डीएम मी देयर एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।